कहते हैं ये जगह है आर्टिस्टों के लिए। मैंने अच्छे दिन भी देखे हैं और बुरे दिन भी देखे हैं। मैं वही पेंट करता हूं जो अपने इर्द गिर्द में देखता हूं। आपने कैनवस में रंग भरे और खूबसूरत पेंटिंगें बनाए। सर, कैनवस के जादूगर यूं ही तो नहीं कहा गया आपको। जीके वेब टीवी के नाज़रीन को ज़ुबैर कुरैशी का सलाम पहुंचे। नाज़रीन, आज की इस अहम पेशकश में आपकी मुलाकात आलमी शोहरत याफ्ता आर्टिस्ट से करवाते हैं। जी हाँ नाज़रीन, मेरी मुराद जनाब मसूद हुसैन साहब से है, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। मसूद साहब, सबसे पहले तो खुश आमदीद आपका प्रोग्राम में। शुक्रिया। कामयाबी की इस मंजिल तक पहुंचने के बाद मसूद हुसैन, जब कभी बीते उन लम्हों को याद करते हैं, किन पलों को ज़्यादा याद करते हैं? देख लीजिए, मैं तो बीते पलों को काफ़ी याद करता हूं, क्योंकि मुझे याद है कि कश्मीर, या हम नाम लें कल्चर एकेडमी का, शुरुआत तो आर्ट कैंप्स की यहीं से हुई है। हाँ, बहुत सारे आर्ट कैंप्स हुआ करते थे और जिसमें बहुत ही मायानाज आर्टिस्टों ने पार्टिसिपेट किया है और हमने भी कुछ कैंप्स उनके साथ पार्टिसिपेट किया है। और उसमें जैसे हम नाम लें तो पूरी दुनिया में उसका नाम है, MF हुसैन है, बेंद्रे साहब हैं, और भी बहुत सारे, मनु पारिक, जतिन दास, मतलब ये तो हिंदुस्तान के बहुत ही नामवर शख्सियत थे, तो उनके साथ काम करने का मौका मिला और काफ़ी कुछ उनसे सीखा है। सर, क्या ये चॉइस थी कि मैं बचपन से, मुझे शौक था पेंटिंग का, क्योंकि हमारे घर में कोई ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं था। तो मेरे वालिद साहब बाई प्रोफेशन डॉक्टर थे और पेंटिंग का कोई दूर का वास्ता नहीं था। तो खैर, हमारे वालिद साहब तो अगेंस्ट थे इस प्रोफेशन के, तो उन्होंने कहा नहीं जी, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। तो अब हम तो काफ़ी एडमेंट थे, नहीं, मुझे यही प्रोफेशन अपनाना आज है। आज के दौर में ना नौजवानों के लिए बहुत आसानियां हैं, उनके पास सोशल मीडिया है, उनके पास लोगों में आगे ही है, लेकिन आपके दौर की अगर बात करें, कुछ मुश्किलात थी? देख लीजिए, मैं जिस दौर में पढ़ा हूँ उस दौर में कॉन्सेप्ट ही नहीं था, और स्पेशली मैं यहाँ से सीधा बॉम्बे चला गया और एक प्रेस्टीजियस कॉलेज है वहाँ, JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स, तो मैंने वहाँ तालीम हासिल की और मुझे ये हैरानी हुई कि मैं पहला ही कश्मीरी, उससे पहले कोई नहीं गया था उस कॉलेज में। फिर यहाँ आके मैं लगभग 34 साल यहाँ फाइन आर्ट्स कॉलेज में पढ़ाया और अब मैं कॉलेज से रिटायर हुआ, तो मैं तो इंडिपेंडेंटली अब काम करता हूँ। सर, आपकी जो किताबें दो भी हैं, मतलब एक तो खैर अभी मंजरियाम पर आने ही वाली है, लेकिन जो द वॉक विद गांधी है, थोड़ा उस ताल्लुक से बताइए, वो ख्याल कैसे आया और किस तरह मंतकी अंजाम? आप देख लीजिए, जहाँ तक कि ये आपने बात छेड़ दी वॉक विद गांधी, ये एक्चुअली ये मैंने एक किताब की है, कोलाबरेट किया है मैंने एक आयरलैंड के एक एमिनेंट राइटर, पोएट और हाइकुइस्ट हैं वहाँ के, तो उन्होंने गांधी पे वो हाइकूज लिखे थे। तो अब उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और फिर मैंने उस पर काफ़ी सारी इलस्ट्रेशंस बनाई, तो वो किताब हमने एक्सचेंज किया और फिर अचानक मैंने देखा कि ये किताब आयरलैंड में छपी और ये काफ़ी पॉपुलर हुई। और रही बात दूसरी, मेरी एक और एक पब्लिकेशन आ रही है बोटमैन करके, तो उसमें लगभग मेरी पेंटिंग्स पे इन्होंने ही, उनका नाम गैब्रियल रोजनस्टॉक है, उसने मेरे पेंटिंग्स के ऊपर हाइकूज लिखे हैं और होपफुली वो किताब शायद इस साल छपेगी और मार्केट में आएगी। जी, बोस ने कहा था कि पेड़ जो है, माहौल जो है, वो मुझसे बात करता है।
आपकी पेंटिंग्स को जब हम देखते हैं सर, एक मुख्तलिफ पहलू उसमें उजागर किए होते हैं, खासकर कश्मीर के तनाजुर में ज़्यादा हैं, आपके नज़दीक आपका ये फ़न क्या माने रखता है? देख लीजिए, मैं कश्मीर एक वो एक जगह है जहाँ पे ये हम कहते हैं ये जगह है आर्टिस्टों के लिए, और यहाँ जहाँ जिस तरफ से आप नज़र दौड़ाओ या देखो तो वहाँ पे आपके लिए एक पेंटिंग तैयार है। और अब इसमें जो मेरा सफ़र रहा पेंटिंग का, मैं काफ़ी अलग अलग दौर से गुजरा हूँ, मैंने अच्छे दिन भी देखे हैं और बुरे दिन भी देखे हैं। अच्छे दिन की मैं बात कर रहा हूँ, जिन दिनों में आपसे जिक्र किया कैंप्स के बारे में, जब आर्टिस्ट आते थे बाहर से तो हम 15-15 दिन के कैंप्स लगते थे, तो वो भी एक दौर था जहाँ हम काफ़ी खूबसूरत कलरफुल पेंटिंग्स बनाते थे। फिर एक दौर ऐसा भी आया कि कश्मीर के हालात कुछ ऐसे हुए कि हमारा अपना सब्जेक्ट चेंज करना पड़ा, और अब मेरा क्या है कि मैं वही पेंट करता हूँ जो अपने इर्द गिर्द में देखता हूँ। मैंने खूबसूरत पेंटिंग्स भी बनाई है, और टर्माइल के दौर में मैंने कुछ ऐसी पेंटिंग्स भी बनाई हैं जो हालात को दर्शाते हैं। तो ये चीज़ें तो, और इसी वजह से तो आपको बहुत सारे एजाजात से भी नवाजा गया। नहीं, वो ठीक है, हम चाहते हैं कि मैं हमेशा, मैं काफ़ी सारा कॉन्फ्लिक्ट पेंट किया है, तो अब हमेशा मेरी कंक्लूडिंग पेंटिंग जो सीरीज की रहती थी वो होप, तो क्योंकि दुनिया तो उम्मीद पे कायम है, तो मैं हमेशा, और आप कश्मीर को होप, मैं हमेशा चाहता हूँ यहाँ हालात अच्छे रहे और हम भी अपने कैनवस में रंग भरे और खूबसूरत पेंटिंगें बनाएं। सर, कैनवस के जादूगर यूं ही तो नहीं कहा गया आपको। सर, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आज के इस दौर में अगर हम देखें, हर दूसरे तीसरे दिन हमें बहुत सारे फनकार देखने को मिल जाते हैं, सेल्फ टेट आर्टिस्ट बहुत उभर कर सामने आ रहे हैं, नौजवान नस्ल में इस फ़न के को लेकर आप क्या मुतमईन हैं? देख लीजिए, जो मतलब जहाँ नौजवान नस्ल की आर्टिस्टों की मैं बात करता हूँ, आप देख लीजिए ये जो पेंटिंग या विजुअल आर्ट्स का, ये बहुत ही वास्ट एक फील्ड है, और इस फील्ड में मतलब चेंजेस काफ़ी आए हैं, तो इसमें आप एक्सप्रेस एक डिफरेंट मीडियम से कर सकते हो, जैसे कि हम कैनवास पे पेंट करके अपना वो इजहार करते हैं अपनी फीलिंग्स को, वैसे फिर वो परफॉर्मिंग आर्ट से होता है या डिफरेंट मीडियम से करते हैं, क्योंकि काफ़ी चेंजेस आ गई हैं, और हमारे यंगर जनरेशन के आर्टिस्ट हैं वो कोशिश करते हैं कुछ नया करने की। सर, दिल तो चाहता था बहुत बातें आपसे की जाएं, लेकिन वक्त की थोड़ा किल्लत ही है, आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो नाज़रीन, आप थे मसूद हुसैन साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, आलमी शोहरत याफ्ता आर्टिस्ट हैं, और खुशबख्ती ये कि इनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है। GK वेब TV, देखते रहिए।